देश में महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मीडिया में डिबेट कम ही देखने को मिलती है। इस समय देश में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पर हैं और रसोई गैस के दाम भी अब 900 रुपये प्रति सिलेंडर के आसपास है। इन सब के बीच सरकार से जनता राहत की ही उम्मीद लगा सकती है। पर जब भाजपा नेता मनोज तिवारी से पेट्रोल के बड़े दामों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोबाइल तो सस्ते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार फ्री वैक्सीन भी दे रही है। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर की, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भाई। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा, तो गाड़ी की टंकी में डेटा रिचार्ज करवा लेते हैं, वो चल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने इसी बयान में एक आंकड़ा बताया जिस वजह से लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। आप भी सुनिए मनोज तिवारी का गणित। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है, तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। इस वीडियो को लेकर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 550 × 5 हुआ 3000, ये तर्क तो मनोज तिवारी जी ही दे सकते हैं। अब बात भाजपा नेता स्मृति ईरानी की कर लेते हैं। स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वे साइकिल चलाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर ट्विटर पर लोगों ने अपने अंदाज में सवाल उठाए और तंज कसे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, लगता है पेट्रोल महंगा लगने लगा है, पर मजबूर हैं, कुछ कह नहीं सकते, साइकिल रैली तो बहाना है, असल में अंध भक्तों को बताना है। एक और यूजर ने लिखा, मैडम को भी पता है पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हैं, इस मारे साइकिल चला रही हैं। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, एक बार उन कर्मचारियों से पूछें कि उन्हें गैस सिलेंडर भरवाने में कैसा महसूस हो रहा है। एक यूजर ने लिखा, पेट्रोल महंगा होने के कारण साइकिल पर राहुल को खोजने जाती हुई। स्मृति ईरानी की चाय पीते हुए और गोलगप्पे खाते हुए की वीडियो देखने के बाद भी लोग सवाल यही उठा रहे हैं कि अब सिलेंडर के दाम काफी बढ़ चुके हैं, उस पर स्मृति ईरानी जी अब कोई बयान क्यों नहीं दे रही। योगी आदित्यनाथ के एक प्रमुख एडिटोरियल में कलकत्ता के फ्लाईओवर की फोटो दिखाए जाने से बवाल मच गया है। ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ शीर्षक से प्रसारित विज्ञापन में नीले और सफेद रंग के फ्लाईओवर को दिखाया गया है जो बंगाल का बताया जा रहा है। इसके अलावा विज्ञापन में योगी आदित्यनाथ के पीछे ऊंची इमारतों को दिखाया गया है। इस विवाद पर भी लोग ट्विटर पर चुटकी लेते नजर आए। एक एक कर जनता के कुछ ट्वीट्स देख लेते हैं। ट्विटर यूजर विक्रम ने एक फोटो शेयर की और लिखा, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लेखपाल दुर्गेश का ऑफिस, @rohini_sgh मैम, आपने तो देखा ही होगा। ट्विटर यूजर रोहिणी सिंह ने किसी सिटी का फोटो शेयर कर लिखा, द व्यू फ्रॉम अक्रॉस द घाघरा रिवर, ऑल थैंक्स टू अ लिटिल ट्रांसफॉर्मर इन उत्तर प्रदेश। एक यूजर ने किसी सिटी के ड्रोन कैमरे के व्यू की फोटो शेयर कर लिखा, अ व्यू फ्रॉम ड्रोन कैमरा यूपी, योगी रॉक्स। इस विज्ञापन को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने भूल सुधार जारी करते हुए लिखा है कि उनके मार्केटिंग विभाग की तरफ से बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन में गलत तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है, इस गलती का उन्हें गहरा खेद है। इस मुद्दे पर कुछ जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में दी। तो अखबार ने जिम्मेदारी ले ली कि ये जो गलती हुई जिसमें बंगाल की तस्वीर लगी और फैक्ट्री की अमेरिका की, वो अखबार की गलती थी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये प्रोड्यूस किया था एडिटोरियल, और इसलिए जिम्मेदारी अखबार ने ले ली। एक तरह से योगी सरकार, उनके नुमाइंदे, उनके सूचना विभाग के अधिकारियों को मुक्त कर दिया, अपराध मुक्त। लेकिन क्या ये मुमकिन है? यही सवाल द टेलीग्राफ ने अपनी खबर में सवाल पूछा है। अब टेलीग्राफ ने सिलसिलेवार ढंग से कुछ लोगों से बातचीत के हवाले से ये कहने की कोशिश की है कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा एडिटोरियल बिना सरकार के किसी अधिकारी या सूचना विभाग के अप्रूवल के नहीं छप सकता। सूत्रों के हवाले से द टेलीग्राफ ने छापा है कि इस विज्ञापन को तैयार करने में 3 सप्ताह लगे,
इसे पहले अप्रूव किया गया, फिर कई अधिकारियों ने सुपरवाइज किया, टेक्स्ट जो इसके टेक्स्ट हैं, जो इसमें दावे और बड़े बड़ी बड़ी बातें की गई है टेक्स्ट फॉर्म में, वो सब पीआर एजेंसी ने तैयार किया, लेकिन सब कुछ अप्रूवल के बाद हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरआरएस के विचारों पर चलने वाली मैगजीन पांचजन्य ने अपने एक नए वर्जन में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टल में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाने पर आईटी सर्विस कंपनी इंफोसिस को फटकार लगाई है। साथ ही इस लेख में कंपनी को देश विरोधी ताकतों और टुकड़े टुकड़े गैंग का मददगार तक बता दिया गया। इस मुद्दे पर इंफोसिस के पूर्व सीएफओ और बोर्ड के सदस्य टीवी मोहनदास पई ने मैगजीन पर तीखा हमला बोला। मोहनदास पई ने इकोनॉमिक वेबसाइट मनी कंट्रोल से बातचीत की और कहा कि इंफोसिस हमेशा से देश हित में खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि लगता है ये लेख कुछ सनकी विचारों वाले लोगों द्वारा लिखा गया है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने वीडियो के जरिए दी। इस आर्टिकल पर गौर कीजिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 2015 में इंफोसिस को जिम्मेदारी दी गई थी जीएसटी पोर्टल की भी, और क्या आप जानते हैं जीएसटी पोर्टल में भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। यानी कि इंफोसिस की क्या काबिलियत है हमें 2015 से भी पता है, 2015 से हमें पता है कि इन्होंने जीएसटी पोर्टल का क्या हाल किया। तो मेरा सवाल आरएसएस से कि फिर आरएसएस मोदी सरकार से या वित्त मंत्रालय से सवाल क्यों नहीं करता कि जीएसटी पोर्टल में इनके रिकॉर्ड को देखते हुए इन्होंने यानी कि मोदी सरकार ने इंफोसिस को इनकम टैक्स पोर्टल की भी जिम्मेदारी क्यों दी? पर्दे के पीछे क्या डीलिंग हुई? क्या आरएसएस में हिम्मत है मोदी सरकार से, वित्त मंत्रालय से सवाल करने की? और आपको किसने अधिकार दिया है लोगों को देशभक्ति देशद्रोह का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए? साथ ही कुछ बात मेनस्ट्रीम मीडिया की भी कर ही लेते हैं। देखते हैं मीडिया इन किन मुद्दों को तवज्जो दे रहा है। क्या आतंक फैलाने वालों और आतंक का समर्थन करने वाले देशों की अकल ठिकाने आएगी? क्योंकि आतंक की वो जो यूनिवर्सिटी है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये AK-56 वाली कौन सी कल्चर है जो बुरदाना समझाना चाह रही है? महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं? उनका क्या करें जो रहते तो यहाँ है लेकिन वो गाते तालिबान की है। इनको इनके टेररिज्म में और उनके टेररिज्म में कोई अंतर नजर नहीं आता। क्या आपको लगता है कि जो लोग चीयर लीडिंग कर रहे हैं, जो चीयर लीडर्स बने हुए हैं तालिबान के, उन लोगों को आईना दिखाने का वक्त है? फिर क्या उस फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना सही रहेगा? एक मिनट, बैकफुट पर क्यों आ जाना हिंदू राष्ट्र के सवाल पर भाई? आप इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।